बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य दो आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लगातार शाहरुख खान को सपोर्ट मिल रहा है। आर्यन की बेल की अर्जी खारिज होने के बाद सोशल मीडिया पर सेलेब्स ट्वीट कर रहे हैं। कमाल अल खान ने आर्यन की बेल की अर्जी के खारिज होने के बाद ट्वीट किया, आर्यन खान की बेल अर्जी रिजेक्ट कर दी गई है। ये तो पूरी तरह से उत्पीड़न करने जैसा लग रहा है। कैसे कोई इंसान 20 दिन से ज़्यादा जेल में अंदर रह सकता है, जिसके पास न तो ड्रग्स मिले और न ही वह इसका सेवन करते हुए पकड़े गए, जबकि भारती सिंह को उसी दिन बेल दे दी गई थी जिसके पास से 86 ग्राम ड्रग्स मिले थे। मतलब दो लॉ अलग अलग लोगों के लिए। एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने हार्ट ब्रेकिंग लिखकर पोस्ट किया। इसके अलावा तहसीन पूनावाला ने भी ट्वीट करते हुए आर्यन खान को सपोर्ट किया। उन्होंने लिखा, आर्यन खान की बेल अर्जी रिजेक्ट कर दी गई, यह घोर अन्याय और उत्पीड़न है। आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। याद रहे, बेल न कि जेल, और किसी के निर्दोष साबित होने तक दोषी कानूनी न्याय शास्त्र है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को फिलहाल आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। कोर्ट में बुधवार को किसी भी पक्ष ने अपनी दलील नहीं दी। जज ने सीधे फैसला सुनाया। आर्यन खान के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर रुख कर चुके हैं। उन्होंने डिटेल्स के साथ आर्यन खान की बेल की अर्जी फाइल कर दी है। सेशंस कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की डिटेल्स आते ही आर्यन खान के वकील यह कदम उठाएंगे। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।